हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल इन लेट्स क्रैक नीट एंड एन टी चैनल सो आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एन एग्जाम सो लेट्स डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चन फॉर द बायोलॉजी सेक्शन सो दैट यू कैन आल्सो नो कि जो आपकी प्रिपरेशन है वो कितनी अच्छी चल रही है सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज नोन एज कि जो सिस्टोलिक बीपी है और जो डायस्टोलिक बीपी है इसका जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं सोविनो so जो सिस्टोल है जो सिस्टोलिक बीपी होता है उसकी वैल्यू वन ट्वेंटी होती है जबकि जो डायस्टोल है इसकी जो वैल्यू है वो होती है एटी ठीक है और जो डिफरेंस होता है सिस्टोल और डायस्टोल का ठीक है बिकॉज सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन जब एट्रिया हमारे कॉन्टैक्ट करते हैं और उस टाइम पे जो बीपी प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं उसकी वैल्यू कितनी है वन ट्वेंटी और जब रिलैक्स करते हैं उसको हम बोलते हैं डायस्टोल और इसकी जो वैल्यू कितनी है एट्टी है तो जो सिस्टोल और डायस्टोल का जो डिफ्रेंस होता है उसी को जो है हम बोलते हैं पल्स प्रेशर वॉट वी कॉल वी कॉल इट पल्स प्रेशर ओके सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड दैट इज़ पल्स प्रेशर लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वट परसेंटेज ऑफ द लिविंग स्पीशीज आर डेंजर ऑफ कि कितने परसेंट जो स्पीशीज हैं वो जो है एक्सटेंक्शन की कगार पे हैं सो इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन अप्रोक्स ट्वेंटी परसेंट जो है जो डेटा कहता है कि जो स्पीशीज हैं दे आर इन द डेंजर ऑफ एक्सटेंशन लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन सो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार पूछा भी गया एग्जाम के अंदर कि द एंट्री ऑफ वाटर इनटू रूट हेयर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ठीक है तो जो वाटर की जो एंट्री होती है रूट हेयर्स के अंदर वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है ठीक so, right है सो द राइट आंसर इज ऑस्मोसिस ठीक है जो ऑस्मोसिस है ऑस्मोसिस के थ्रू जो वाटर जो है वो एंटर करता है ठीक है क्योंकि सॉयल के अंदर जो वाटर पोटेंशियल है वो हाई होता है जबकि रूट्स में वाटर पोटेंशियल लो होता है तो सॉयल से जो वाटर है वो मूव कर जाता है प्लांट्स की तरफ ठीक है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस ठीक है सो डिफ्यूजन नहीं है इम्बाइबिशन तो जो है एडजॉर्प्शन होता है वाटर बाय सॉलिड सरफेस और प्लाज्मोलाइसिस में डिटैचमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक है सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड दैट इज ऑस्मोसिस नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन कि टेंडन एंड लिगामेंट्स आर टाइप्स ऑफ व्हाट ठीक है कि टेंडन्स और लिगामेंट्स जो है वो किसके टाइप है ठीक है सो लेट्स डिस्कस कि पहले लिगामेंट और टेंडन क्या है विनो दीज टू आर कनेक्टिव टिश्यू ये जो दोनों हैं वो कनेक्टिव टिश्यू हैं क्योंकि जो लिगामेंट है वो बोन से बोन को जोड़ने का काम करते हैं बोन टू बोन लिगामेंट जबकि जो टेंडन है वो जोड़ता है बोन टू मसल ठीक है लिगामेंट बोन से बोन को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं जबकि जो टेंडन है वो बोन को मसल्स के साथ से कनेक्ट करने का काम करते हैं ठीक है यू कैन रिमेंबर दिस बाय बल्ब ठीक है बोन टू बोन लिगामेंट ठीक है तो यहाँ पर कनेक्टिव टिशी तो कोई ऑप्शन में ही नहीं है मस्कुलर भी नहीं है एपेथीलियल भी नहीं है नर्वस भी नहीं है बट हेयर वी हैव अ फाइबरस टिश्यू ठीक है दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू सो वी विल चूज फाइबरस टिश्यू ठीक है सो टेंडन और जो लिगामेंट है दीज आर द टाइप ऑफ द फाइबरस टिशू सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर लेट इज द नेक्स्ट लेट इज क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट क्या कहते हैं दॉरगन विच स्पाइडर यूज टू प्रिपेयर वैब कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसको जो स्पाइडर है अपने वेब को बनाने के लिए इस्तेमाल करता है ठीक है सो हेयर वी हैव द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज़ स्पिनरिट्स सेकेंड है स्पीक्यूल्स उसके बाद स्पाइरकल्स उसके बाद है कैरापेज so, ठीक है तो वी नो जो स्पीक्यूल्स है दैट इज़ फाउंड इन फाइलम पोरीफेरा जो एनिमल किंगडम के जो मेम्बर्स हैं ठीक है जो पोरीफेरा जो है फाइल है उसके मेंबर्स के पास मिलता है स्पेक्यूल्स लेकिन यहां तो बात हो रही स्पाइडर की और स्पाइडर जो है वो बिलोंग करता है फाइलम औरथ्रोपोडा से ये बिलोंग करता है फाइलम ऑर्थ्रोपोडा से तो स्पेक्यूल्स नहीं हो सकता जो स्पाइरिकल्स हैं ये हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन दीज आर दी रेस्पिरेटरी ऑर्गन ठीक है और ये मिलते हैं ऑर्थ्रोपोड्स के अंदर लेकिन यहाँ पे तो बात हो रही है वेब बनाने की ये भी नहीं हो सकता ठीक है देन वी हैव द कैरापेस ठीक है ये मिलते हैं मोलस्कन के अंदर तो एक ही ऑप्शन जो बच जाता है वो बच जाता है ऑप्शन नंबर वन दैट इज स्पाइनर आर द ऑर्गन दैट आर यूज बाय स्पाइडर्स टू फॉर्म वेब ठीक है तो ये होते क्या हैं इट इज सिल्क स्पिनिंग ऑर्गन है ये uh, ठीक है इट इज सिल्क स्पिनिंग ऑर्गन ऑफ स्पाइडर्स या फिर जो इंसेक्ट के जो लार्वा होते हैं उनमें जो है देखने को मिलता है ठीक है तो वी कैन से स्पाइनरेट्स आर अ सिल्क स्पिनिंग ऑर्गन्स ऑफ स्पाइडर और दैट इज ऑल्सो फाउंड इन लार्वल ऑफ लार्वल फॉर्म ऑफ दी इंसेक्ट ठीक है सो द फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन लेट्स इज द नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन तो ये जो बात करेगा ना वेरिएशन की बात करता है ठीक है कि तो वेरिएशन आर इम्पॉर्टेंट एज दे प्रोड्यूस सो so, वी नो कि वेरिएशन जो है वेरिएशन का बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो रोल है ठीक है कि बिना वेरिएशन के कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसका सर्वाइवल जो है बड़ा मुश्किल है ठीक है तो फर्स्ट ऑफ तो फर ऑल ये डिस्कस कि वेरिएशन जो है वो है क्या ठीक तो को है कोई एक पॉपुलेशन है एक जो है पॉपुलेशन है तो एक पॉपुलेशन के जो मेंबर्स होते हैं ठीक है मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स में कैरेक्टर में जो डिफरेंस होता है जो कोई कैरेक्टर है उस कैरेक्टर में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम वेरिएशन कहते हैं ठीक है लेट्स सपोज ह्यूमन पॉपुलेशन है तो ह्यूमन पॉपुलेशन में जितने भी ह्यूमन्स uh, हैं किसी की अगर हाइट की बात करते हैं लेट्स सपोज तो किसी की हाइट जो है वो छोटी है बड़ी है ठीक है तो ये जो करेक्टर है हाइट ठीक है दिस इज दिस इज़ कॉल्ड वेरिएशन ठीक है ये जो है अब वेरिएशन है ठीक है तो जो वेरिएशन है बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है इवोल्यूशन के अंदर लेकिन यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन एक है एडेप्टन एक है एलिमिनेशन एक है इवोल्यूशन और एक है सेलेक्शन ठीक है सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज़ वॉट वी कैन से वेरिएशन इन द स्पीशीज़ हेल्प दैम टू एडेप्ट इन अ पर्टिकुलर एनवायरमेंट ठीक है जो जो वेरिएशन है सबसे पहले तो क्या करता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी स्पीशीज को एक पर्टिकुलर एन्वायरमेंट में एडॉप्ट करने के लिए जो है वो हेल्प करता है ठीक है एज वी नो जो कई ऐसे बैक्टीरियाज हैं लाइक थर्मोफिलिक जो बैक्टीरिया है जो डिफरेंट डिफरेंट इतने हाई टेम्परेचर जोन में सर्वाइव करते हैं ठीक है तो दैट ऑल अकर्स ड्यू टू दे हैव, ठीक है सो हेयर वी विल चूज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट दैट इज एडेप्टेशन, ठीक है एलिमिनेशन में कोई रोल नहीं है इसका ठीक है सिलेक्शन में भी नहीं है और इवोल्यूशन के अंदर भी नहीं है हाँ एडेप्टन विलीड टू दूशन ठीक है वेरिएशन विलीड टू एडेप्टन एंड फर्दर लीड टू इवोल्यूशन सो लेट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर एट जीरो की द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन क्विस्कुटा सो वी नो इट्स अमरबेल अमरबेल जो है और इसके पास अपनी लीव्स नहीं है सो so जिसके पास लीव्स नहीं है वह टोटली जो है वह दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ठीक है सो दैट एक्ट एज अ पैरासिटिक सो द मोड ऑफ न्यूट्रीशन इन कुटाइज पैरासिटिक इट फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड हॉस्ट्रिया और उस हॉस्ट्रियम से जो है ये जो उसका प्लांट दूसरा जो प्लांट जो होस्ट प्लांट है उससे जो है अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है ठीक है सो द राइट ऑप्शन विल भी ऑप्शन नंबर थर्ड दैट इज पैरासिटिक इन नेचर लेट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटी वन वेरी सिंपल क्वेश्चन कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कि जो किडनी है किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है ठीक है सुनो द नेफ्रॉन इज राइट आंसर न्यूरोन जो होता है इट्स अ पार्ट ऑफ द सी एन एस ठीक है अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे आंसर आता है न्यूरोन ठीक है लेकिन यहाँ पे किडनी की बात हो रही है और किडनी जो अपना रोल प्ले करता है वो करता है एक्सक्रीशन के अंदर तो इसकी जो यूनिट है वो है नेफ्रॉन यूरेटर जो है इट्स अ ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर जो किडनी से अटैच होता है और कंडक्शन में हेल्प करता है न्यूट्रिशन देन वी हैव यूरेथ्रा इसका भी जो रोल है एक्सीशन के अंदर है ठीक है जिसके थ्रू गैमिट्स भी पास होते हैं और यूरिन भी पास होता है बट यहाँ पर बात की गई है फंक्शनल यूनिट की सो वेल चूज ऑप्शन नंबर वन दैट इज नेट इज द नेक्स्ट नंबर एटी टू कहते कहते लेटरल वेंट्रिकल्स आर फाउंड इन कि जो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं वो कहां पे मिलते हैं ठीक है थीके? तो दैट इज अ पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिसफेयर ठीक है में नहीं है में था ही नहीं ठीक है इट्स ठीक है सी शेप्ड स्ट्रक्चर दैट कंटेन सी एस एफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड जो है प्रेजेंट होता है ठीक है सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू दैट इज द सेरेब्रम और द सेरेब्रल हेमर नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर एटी थ्री सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब उसका सेसेशन है या बंद हो जाता है ठीक है तो उसको जो है क्या कहा जाता है सो विनो देर आर टू प्रोसेस फर्स्ट इज मिनार्क वायल एनदर इज मीनापोज तो मीनार्क इज दटिंग पॉइंट वैन द मेट्रो साइकिल स्टार्ट उसको हम मीनार्क बोलते हैं और उसका सेसेशन है ठीक है बिकॉज ये इज द पॉज रुक जाना सो द सेन इज कॉल्ड मीनापोज सो द ऑप्शन नंबर फोर विल बी दाइट आंसर लेट सी द नेक्स्ट दैट इज एटी फोर एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन ह्यूमन अकर्स इन ठीक है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज की बात हो रही है तो दैट अकर्स इन दंग्स कहाँ पर होता है लंग्स होता है और लंग्स की जो बेसिक यूनिट है दैट इज अलवियोलाई ठीक है दैट इज अलवियोलाई सो टू ट्रैक किया तो दीज आर द एक्ट एज अ कंडक्टिंग जो हेल्प करते हैं ब्रोंकाई भी ऑल आर हेल्प इन दी ट्रांसफरिंग ऑफ गैसेज बट एक्सचेंज जो होता है होता आपका अलविलाई के अंदर अलविलाई आर बलून लाइक स्ट्रक्चर्स अलविलाई आर बलून लाइक स्ट्रक्चर्स ठीक है सो ऑप्शन नंबर फोर विल बी राइट आंसर लेट्स सी द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एट्टी फाइव विच डिजीज़ इज ओनली ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज कि इनमें से ऐसी कौन सी डिजीज है जो सिर्फ एक्सटर्नल कॉज से होती है ठीक है सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज डायबिटीज ठीक है सो यू नो डायबिटीज जो है दो तरीके का होता है द फर्स्ट इज डायबिटीज मेलाइट फर्स्ट इज डायबिटीज मेलाइटस एंड एंजर इज डायबिटीज इंसिपिटस सो so, जो डायबिटीज़ मेलाइटस है ये होता है लो लेवल ऑफ इंसुलिन अगर जो है इंसुलिन की कमी हो जाए तो उससे होता है जबकि जो इंसिपिटस होता है ये होता है लो लेवल ऑफ एडीएच एडीएच स्टैंड फॉर एंटी डायरेटिक हॉर्मोन ठीक है तो अगर किसी पर्सन में इंसुलिन की कमी है तो उसकी बॉडी में क्या होगा ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ जाता है ठीक है ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ जाता है ठीक है और थ्राइटिस जो है तो थ्राइटिस जो है रिलेटेड टू द जॉइंट्स जो पेन है ठीक है क्योंकि आईटिस इंक्लूड्स फॉर द इन्फ्लामेशन ईचिंग जॉन्डिस में जो है ये होता है आपका ड्यू टू द बाइल पिगमेंट कि जो बाइल पिगमेंट जो प्रेजेंट है ठीक है एक्सेस अमाउट प्रेजेंट होता है उससे जॉन्डिस होता है ठीक है के के जो कैटरक्ट है कैटरेक्ट के अंदर जो विजन होता है वो थोड़ा क्लाउडी हो जाता है हेजी हो जाता है क्लियर जो है विजिबल नहीं होता है ठीक है तो जो ऑर्थराइटिस है 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 या या फिर जो ठीक थ्री आर टोटली इंटरनल इनका जो है बाहर के एनवायरमेंट से कोई भी रोल नहीं है चाहे इफ यू टॉक अबाउट ऑर्थराइटिस दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट या फिर जॉन्डिस की बात कर लेते हैं जो कि आपका बाइल uh, पिगमेंट की वजह से होता है या फिर कैटरेक्ट की बात कर लेते हैं जो जिसमें विज़न जो है वो क्लाउडी uh, हो जाता है हेजी हो जाता है ठीक है लेकिन जो डायबिटीज़ है ठीक है अगर लेट्स सपोज कि भाई इसमें क्या है अब बाहर से जो लगातार जो है आप आपके पास लो लो लेवल है इंसुलिन का और आप लगातार जो है बाहर से ग्लूकोज ले रहे हैं ठीक है तो उस केस में जो डायबिटीज़ के चांसेज जो आपके बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर बात की जा रही है एक्सटर्नल की ठीक है तो एक्सटर्नल में सिर्फ एक ही डिजीज है जो डिपेंडेंट है और वो है डायबिटीज ठीक है सो वी विल चूज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट दैट इज डायबिटीज बाकी तीनों के तीनों जो वो इंटरनल, इंटरनली दैट इज द नेक्स्ट सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस थैंक यू थैंक यू सो मच डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अच्छे से प्रिपेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू